नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित एक गुरुद्वारे पर हमले के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान में 100 से अधिक सिखों और हिंदुओं को प्राथमिकता के आधार पर ई वीजा प्रदान किया है। इतना ही नहीं, अब यह भी बताया जा रहा है कि अब तक ऐसे करीब 100 वीजा जारी किए जा चुके हैं, इसे ऑनलाइन भी हासिल किया जा सकता है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य जल रहा है और दोनों राज्य छींटाकशी में व्यस्त है। खास बात यह है कि हिंसा के इस ताजा दौर में बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। भारत बायोटेक ने नेजल कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। दवा निर्माता कंपनी के अध्यक्ष और एमडी डॉक्टर कृष्ण एल्ला ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डेटा विश्लेषण चल रही है, हम नियामक एजेंसी को डेटा जमा करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें लॉन्च करने की अनुमति मिल जाएगी और ये दुनिया का पहला क्लिनिकली प्रूवन नेजल कोविड-19 वैक्सीन होगा। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर रविवार को डिटेल जारी कर दी है। इसके तहत वायुसेना की तरफ से चयन प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो रही है। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा कि 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बल में भर्ती किए जाने वालों की उम्र सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है, जिससे सशस्त्र बल में भर्ती के लिए मॉडल के तहत युवाओं के बड़े हिस्से को शामिल किया जा सकेगा। पैगंबर मोहम्मद पर चल रहा विवाद अभी भी जारी है। हाल ही में अमेरिका ने भाजपा के पूर्व नेताओं के बयान की निंदा की, हालांकि उसकी तरफ से भाजपा की कार्रवाई पर खुशी जताई गई है। इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि लोगों की संवेदनशीलता और समझ प्रभावित हुई, लेकिन उस देशों ने इस बात की तारीफ भी की है कि भारत सरकार का इस विवादित टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं था। असम में बाढ़ से स्थिति भयावह हो गई है। अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है। 28 जिलों की 19 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि होजई, नालबारी, बाजाली, धुबरी, कामरूप, कोकराझार और सोनितपुर जिलों में मौत के मामले सामने आए हैं। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ की वजह से 2930 गाँव पानी में डूबे हुए हैं। तकनीक के मोर्चे पर भारत को जल्द ही अच्छी खबर मिलने के आसार है। खबर है कि इस साल देश को तेज इंटरनेट का तोहफा मिल सकता है। रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि साल के अंत तक 20 से 25 शहरों और कस्बों में 5G सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 5G सेवाएं अगस्त सितंबर से शुरू होगी। मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को अभी राहत के आसार नहीं है। एक तरफ देश के कई राज्यों में इन दिनों गर्मी पड़ रही है और साथ ही गर्म हवा भी चल रही है, तो वहीं कई जगहों पर हल्की बरसात जरूर हुई थी, लेकिन इस बार मानसून में देरी की वजह से अभी बारिश नहीं हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले समय में मौसम कैसे करवट लेगा। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि धार्मिक भय के पर दोहरे मानदंड नहीं हो सकते हैं। इसका मुकाबला करना एक चुनिंदा कवायद नहीं होनी चाहिए जिसमें केवल एक या दो धर्म शामिल हो। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत आतंकवाद, खासकर सीमा पार आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है। देशभर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके चलते ही कई ट्रेनों को भी कैंसिल करना पड़ा है। ट्रेनों के कैंसिलेशन से पैसेंजर्स की परेशानी तो बढ़ी है, साथ ही ताप बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंचने में दिक्कत हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनी PSPCL ने शनिवार को ये बात कही है। देश के कई हिस्सों में केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को अपने आवास पर एक बैठक कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि तीनों सेनाओं में प्रमुख की बैठकों में वो शामिल है और बैठक में योजनाओं को लागू करने और आंदोलनकारियों को शांत करने के तरीकों पर चर्चा करने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह द्वारा 2 दिनों में बुलाई गई ये दूसरी बैठक है। कांग्रेस के सांसद और नेता सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए पेश की गई अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए रविवार सुबह यहां जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेंगे। देश भर में युवा इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कई शहरों और कस्बों से हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस के सांसद, उनकी कार्य समिति के सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी 19 जून को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर शुरू होने वाले सत्याग्रह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून से 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक जाएंगे। वो सोमवार दोपहर करीब 12 बजे बेंगलुरु के येलहंका हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यात्रा के पहले दिन बेंगलुरु में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री का 1 मार्च को यूक्रेन में मारे गए मेडिकल छात्र नवीन के परिवार वालों से मिलने का भी कार्यक्रम है। नवीन के माता पिता और उनके भाई ने बेंगलुरु में पीएम से मुलाकात करने की बात कही है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महासचिव जयराम रमेश द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किया है और एक संदेश में राहुल गांधी ने कहा है कि देश में माहौल इस समय बेहद चिंताजनक है। राहुल ने सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शन की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि देश के युवा परेशान हैं, हमें इस समय उनके और उनके परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 12,899 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,32,96,692 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 72,474 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों में यह जानकारी मिली है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में संक्रमण से 15 और लोगों की मौत के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 5,24,855 हो गई है। पिता को कुछ स्पेशल महसूस कराने के लिए हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। इस मौके पर सर्च इंजन गूगल ने इस साल भी एक खास डूडल बनाया है। फादर्स डे पर गूगल के डूडल में छोटे और बड़े हाथ दिखाई दे रहे हैं। पापा को समर्पित फादर्स डे के डूडल में साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चा किस तरह से पिता की छवि बनाता है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने शनिवार को कहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगले कुछ दशक भारत के हो सकते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो वैश्विक विकास दर को भी बढ़ा रही है। कैमरून ने कहा है कि भारत के लिए तीनों मोर्चे पर एक वास्तविक विचारक नेता बनने का एक ही अवसर है। उन्होंने कहा है कि भारत तीन मुद्दों पर दुनिया का वास्तविक नेतृत्व कर सकता है। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ भर्ती योजना की डिटेल जारी कर दी है। अग्निवीरों के लिए आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल रखी गई है। उन्हें पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,000 और चौथे साल 40,000 रुपये प्रति महीने सैलरी दी जाएगी। मुंबई में एक बड़ी इमारत में आग लगने की जानकारी सामने आई है। उत्तरी मुंबई की एक रिहायशी इमारत में शनिवार देर रात आग लगी। हालांकि आग ज्यादा नहीं फैल सकी और दमकल विभाग ने आग पर समय रहते काबू पा लिया। घटनास्थल से 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का आज निर्णायक मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही टीमों ने अब तक 2-2 मुकाबले जीते हैं। भारत ने गजब का खेल दिखाते हुए 0-2 के पीछे होने के बाद लगातार 2 मैच जीतकर वापसी की है। अब आज का मुकाबला जीतकर ऋषभ पंत घर पर साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन सकते हैं। हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं की अधिक ऊंचाई पर सांस फूलने से तबीयत बिगड़ जाती है या फिर हृदयघात के कारण मौत हो जाती है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड पिछली यात्राओं से सबक लेते हुए इस बार भी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से सेवाएं लेगा। 30 जून से शुरू हो रही यात्रा में लखनपुर से लेकर भोले बाबा के भवन तक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। इसमें जम्मू कश्मीर सहित देश के कई भागों से करीब 1,500 डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी श्रद्धालुओं की सेहत का ख्याल रखेंगे। जोखिम वाले निवेश में बिकवाली के कारण क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट जारी है। सबसे बड़ी क्रिप्टो बिटकॉइन शनिवार को 7.46% की गिरावट के साथ $18,915.29 प्रति यूनिट पर पहुंच गई है। वहीं आज रविवार को 11 बजे तक इसमें 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। बिटकॉइन 4.54% की गिरावट के साथ $18,088.50 तक पहुंच गया है। इसके अलावा इथर समेत कई क्रिप्टो करेंसीज में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में 14 विभागों में कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक के 535 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 का परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। upssc के सचिव अविनाश सक्सेना ने बताया है कि कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक के 535 पदों पर भर्ती का परिणाम शनिवार को घोषित किया गया। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख की उपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से घोषित की गई अग्निपथ योजना के विरोध में सेना में भर्ती होने की आकांक्षी युवाओं की तरफ से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में जैसी हिंसा की जा रही है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस हिंसा में ट्रेनों, बसों के अलावा जिस तरह अन्य सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के साथ पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है, वो अराजकता के अलावा और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई क्षेत्रों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश के कारण कई दिनों से झुलसी हुई गर्मी से राहत मिली है। भारतीय मौसम विभाग ने आगामी 21 जून तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में आज और कल बारिश हो सकती है। काबुल में गुरुद्वारे पर हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई। हमले के 24 घंटे के बाद गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान में 100 से अधिक सिखों और हिंदुओं को प्राथमिकता के आधार पर ई वीजा प्रदान की है। जानकारी के अनुसार MHA ने हमले के बाद गहरी चिंता जताते हुए आदेश तभी दे दिया था। बता दें कि कल हुए हमले के बाद कई बड़े नेताओं के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चिंता व्यक्त की थी। कोरोना महामारी के दौर में सिनेमाघरों के बंद होने का फिल्म उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। फिल्म प्रदर्शन का व्यवसाय बंद होने के कारण भारतीय फिल्म उद्योग पर भी संकट मंडराने लगा है। कई फिल्में पूरी हो गई है लेकिन उनका प्रदर्शन लगातार टलता जा रहा है। बड़े प्रोड्यूसर तो किसी तरह से फिल्मों को रिलीज क्यों टालने वाले नुकसान को झेल दे रहे हैं लेकिन छोटे प्रोड्यूसर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई फिल्में आधे में बंद हो गई है तो कई फ्लोर पर ही नहीं आ सकी है। पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार अब एक नया अभियान छेड़ने जा रही है। पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स पिलाने के लिए 2022 के लिए पहले उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आज से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जा रही है। इसके तहत कई राज्यों में बच्चों को घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप दी जाएगी। पोलियो वैक्सीन अभियान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। पर्यावरण संरक्षण, पारंपरिक खान पान और शैली और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए रेलवे ने अनूठी पहल की। इसके तहत देशभर के 400 स्टेशनों का चयन कर वहां भोजन और चाय नाश्ते के लिए 2 नापत्तल, कुल्हड़ और टेराकोटा के बर्तनों का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। बिलासपुर जोन के लिए ऐसे 25 स्टेशनों का चयन कर दिया गया है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि देश भर में जारी युवाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को अग्निपथ मामले में केंद्र को संसद को विश्वास में लेना चाहिए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है मिन्नत आलम, अविनाश कुमार, अजीत कुमार, राजी अहमद, नेहा सिंह, अभिनव, मनीष कुमार, मोहम्मद आजाद, रुपेश कुमार, मोहम्मद अजमेर, राजीव झा, प्रीति कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हमारे दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की 4 साल के लिए सेना में बहाली का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।